हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जगह है सोना, और सोना में देश का सबसे बड़ा जो इस वक्त पे प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर का, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर इस जगह पर मैं आपको बताऊं तो कुछ महीने पहले तक यहां पर आपको एलएनटी का ऑफिस दिखता था, कास्टिंग यार्ड भी दिखता था, क्योंकि एलएनटी ने अपना कास्टिंग यार्ड यहीं पे सेटअप किया था और इसी जगह से ये इस पूरे जगह पर कंट्रोल कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के काम का। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उसको हटा दिया जा चुका है, और आज अगर आप देखेंगे तो 3 किलोमीटर लंबा ये जो एलिवेटेड पार्ट है, इसके साथ अर्थवर्क का ये जो काम किया है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट क्यों बनाया? तो ये 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर इसलिए बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कुछ रोड है जिसको कि इसे क्रॉस करना है, और साथ ही साथ इसको आगे ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इस पहाड़ पे जाकर कनेक्ट भी करना, और साथ में दुनिया का सबसे पहला जो सुरंग बनाया गया है डबल डेकर मालगाड़ी के लिए, उसमें जाकर इसे कनेक्ट भी होना है। तो सोना में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सुरंग भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एलिवेटेड पार्ट यानी कि ये पिलर्स के ऊपर से ट्रेन गुजरती हुई भी आपको दिख जाएगी, और साथ ही साथ ये जो मिट्टी का भराव करके यहाँ पर इतना ऊंचा बनाया है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं यहाँ तक नहीं आ सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या कमाल का आपको इंजीनियरिंग का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना मिट्टी डाला है यहाँ पर कि आप देखिए पूरा पहाड़ सा खड़ा कर दिया है। अब आप पूछोगे कि कितना ऊंचा है ये, तो ये यहाँ से तकरीबन 60 फीट ऊंचा है, मतलब आप समझ लो 6 माले बिल्डिंग के बराबर है ये। इतनी मिट्टी इस जगह पर इसलिए डाली है क्योंकि इनको आगे ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, वहां पे जो सुरंग बनाया था उससे कनेक्ट करना था। इस तरफ अगर आप जाओगे तो आगे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। जी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इसको क्रॉस कर रहा है, इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। इस तरफ आगे जो जगह है जिसको बोलते हैं संचोली, यहां पर अगर आप काम की बात करोगे कि क्या चल रहा है, तो इस जगह पर एक मशीन आपको दिखेगी, और उस मशीन के जरिए इस जगह पर ट्रैक को डालने का काम किया जा रहा है। कि ये स्टार्ट हो रहा है यूपी के दादरी से और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र तक। पूरा 1500 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि इस पूरे 1500 किलोमीटर पे काम चल रहा है, कि आधा ये बनकर तैयार हो चुका है। तो 1500 का आधा कर लो आप, कितना हुआ 750, उतना ये अप्रोक्स बनकर तैयार हो चुका है। उसके ऊपर इस वक्त पे आपको ट्रेन दिखेगी भी, और वो भी डबल डेकर। जी, तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा ट्रेन होता है, और उस पर 2 बॉगी होती है, देख रहे हो, और सामान को भरकर ये लेकर जाते हैं, और वो भी रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जरा आप कल्पना कीजिए कि जब हमारे देश में बनाया जाने वाला ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, तो सोचिए कितना कम टाइम लगेगा हमें और आपको अपने देश में सामान को भेजने में इंडियन रेलवे की मदद से। जी, और खर्चा भी कम ही आएगा भाई। कल्पना कीजिए जब यहाँ पर ट्रेन कर्व लेगा, और वो भी डबल डेकर, तो क्या नज़ारा होगा। और जरा कल्पना कीजिए कि जब ट्रेन टनल के अंदर यानी कि सुरंग के अंदर जाएगा, तो क्या नज़ारा होगा। मतलब इंजीनियरिंग मार्बल का पूरा जीगता जागता आपको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। और उतना ही नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आगे आप अगर जाओगे तो जैसे ही सुरंग से बाहर ये निकलेगी ट्रेन ना, तो ये ज़मीन के अंदर चली जाएगी। सोचिए एक ही जगह पर इतना सारा कुछ देखने को मिलेगा, है ना, इंजीनियरिंग का कमाल यहाँ पर। और हमारे देश के इंजीनियर्स ने क्या कमाल का काम किया है, एक इतना ऊंचा मिट्टी डालकर यहाँ पर ट्रैक डाल दिया, एक आगे देखोगे तो इतना ऊंचा यहाँ पर पिलर बनाकर पूरा एलिवेटेड पार्ट फ्लाईओवर बना दिया, उसके ऊपर से भी ट्रेन जाएगी, उसके बाद फिर पहाड़ों को काट कर इन्होंने एक सुरंग बना दिया है, और उसके बाद सुरंग से निकलने के बाद जमीन के अंदर से भी इन्होंने कारनामा अपना कर दिया है। तो इसी बात पे एक लाइक तो इस देश के इंजीनियर्स के लिए बनता ही है। आपने ऐसी परियोजनाएं या तो सुनी है या इंटरनेट पे किसी और देश में देखी है, लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आपको अपने ही देश में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जी, और ये है न्यू इंडिया दोस्तों।
फिलहाल तो चलिए मैं आपको इससे आगे लिए चलता हूँ इस तरफ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से पहाड़ों को काट कर काम किया जा रहा है ताकि ट्रैक डाला जा सके और दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो सुरंग दिखता है बाहर से ही और ड्रोन शॉट भी दिखाओ। चलो चलते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह पर ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है ये क्रॉस कर रहा है सोहना रोड को जिसे कि कहते हैं NH 248A। ये रोड हरियाणा और राजस्थान को आपस में कनेक्ट करता है और बहुत ही लंबी रोड है ये और इसी रोड को ये इस जगह पर क्रॉस कर रहा है। आगे जैसे इस रोड को क्रॉस करेगा उसके 100 मीटर बाद ये एलिवेटेड जो पार्ट है वो हो जाता है ख़त्म और उसके बाद इसका जो हिस्सा है वो हो जाता है पहाड़ों के ऊपर। तो यहाँ क्या है कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इन पहाड़ों के साइड से गुजरता हुआ ये निकलेगा और पहाड़ों के साइड से इसलिए क्योंकि कम से कम पहाड़ों को काटा जाए और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। तभी अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ पर कर्व है। अगर इसको स्ट्रेट रखते लाइन को तो बहुत सारा पहाड़ जो है उसको काटना पड़ता, तो इसीलिए एलिवेटेड पार्ट आपको ये कर्व दिख रहा है। इस जगह पर आप पूछेंगे कि कंपनी कौन सी काम कर रही है, तो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है दोस्तों L&T। वैसे देखो फैक्ट बता रहा हूँ, छुट्टियों का टाइम चल रहा है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा ही बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसका मैं आपको एक ही वीडियो में दिखा दूँ। चाहता तो इसको दो पार्ट में भी दिखा सकता हूँ लेकिन क्या है ना कि फन नहीं आता है, समझ रहे हो, आपको भी नहीं आता मुझे भी नहीं आता है, एक ही वीडियो को दो भाग में दिखाना ये नाइंसाफी है। तो इस जगह पर देखोगे तो एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर होता है समाप्त, आगे ये जो पहाड़ का हिस्सा है इसमें जाकर ये हो जाएगा कनेक्ट, उसके बाद पहाड़ों को काटने का काम यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है और जब पहाड़ों को काट लिया जाएगा उसके बाद वहां पर मिट्टी डाली जाएगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर ट्रैक डाला जाएगा ठीक वैसे ही जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा है। इसके आगे ही ये जाएगा तो आपको यहाँ पर सुरंग भी दिखेगा लेकिन उससे पहले आपको अर्थवर्क का काम भी दिखेगा जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है। वहां चलने से पहले मैं आपको इस जगह का दिखाता हूं।
ऐसे पिछले महीने के मुकाबले यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे ना तो बहुत सारा काम हुआ है। जहाँ पर ये अर्थवर का काम आपको दिख रहा है, पिछली बार यहाँ पर नहीं हुआ था और आपको इस वक्त पे भी ये देखने को मिल जाएगी कि अगर आप मिट्टी के कलर से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि वो फ्रेश है। और इस वाले हिस्से पे ये डाला जा चुका था पिछली बार, लेकिन ऊपरी जो इसका आखिरी हिस्सा देख रहे हो उसके ऊपर भी नहीं डाला गया था मिट्टी जो है, लेकिन आज पूरी तरीके से अर्थवर का काम यहाँ पर कर दिया जा चुका है। आगे भी अगर आप दिखाऊं ना तो वहां पर भी अच्छा खासा काम हुआ है। इस तरफ आगे जाओगे तो इसी तरफ है भाई जहां पर इन्होंने सुरंग बनाया है। पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो उस वक्त पे इतना सारा काम तो नहीं किया गया था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो देखो बहुत सारा काम इन्होंने कर दिया है। कंक्रीट के मसाले की मदद से इस पे पूरा तैयार करने वाले हैं एक स्ट्रक्चर, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो और पिलर को सपोर्ट मिलता रहे। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मिट्टी भी अच्छी खासी यहाँ पर डाली गई है। तो अभी पिछली बार इतना सारा काम नहीं हुआ था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इन्होंने तो दिल ही खुश कर दिया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है किसी भी परियोजना पे किया गया किसी भी देश द्वारा, और ये कारनामा हमारे देश के इंजीनियर्स ने किया है। यहाँ पर इतनी सारी मिट्टी डाली है कि मिट्टी का पूरा पहाड़ तैयार कर दिया है, और ये इसलिए किया गया है ताकि आगे जो सुरंग है उसके लेवल में लाया जा सके इस ट्रैक को, इस लाइन को जो कि यहाँ से गुजर रही है, और इसी वजह से ये कारनामा यहाँ पर किया है। वैसे बताऊं तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं अपडेट देता हूं ना, इस जगह पर आना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस जगह पर जो ड्राइविंग का टेस्ट है ना वो पूरा होता है। हाँ, अच्छी तरीके से आपको गाड़ी को ड्राइव करना होगा, क्योंकि जहां पर आप ड्राइव करते हो ये प्रॉपर रोड है नहीं, पहाड़ों को काटा गया, तो यहां पर बहुत बड़े बड़े नीचे पत्थर हैं, तो गाड़ी में लगने का पूरा चांस रहता है 100%। तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सेफली ड्राइव करके आगे की तरफ लेकर चलता हूं और आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर इन्होंने सुरंग बनाया। वैसे अगर आपको बताऊं तो इस जगह को स्टार्ट करने का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि DFC की टीम आपको हर दिन यहाँ पर भी नज़र आ जाएगी। इस वक्त में भी देखोगे तो अभी DFC की टीम आपको दिख जाएगी जो कि इस जगह पर जो कार्य हुआ है उसका जायजा ले रही है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जा सके दादरी और रेवाड़ी वाले हिस्से को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इन पिलरों को कनेक्ट करने का जो काम है वो जल्द ही आपको दिखेगा जो कि स्टार्ट होगा। इनको जिन गडर्स की मदद से कनेक्ट करना है वो तो बहुत पहले ही यहाँ पर कंपनी ने तैयार कर लिया है, और अगर आपको याद होगा तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था फास्ट फॉरवर्ड करके ना, तो उस जगह पर ये जो आप देख रहे हो ये गडर्स जो बनाए गए थे वो यहीं के लिए है। बड़े दिनों बाद आया हूँ मैं इस जगह पर, क्योंकि बरसात में इस जगह पर आना छोटी गाड़ी से बिल्कुल भी मुमकिन है नहीं। इस तरफ से हम और आप इस जगह पर आए हैं, और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। ये पिलर्स ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं, जितनी हाइट इनकी की जानी थी उतनी तो हो चुकी है। अब इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाने का जो काम है वो किया जाएगा और फिर इन पिलरों को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर ये जो पहाड़ का हिस्सा देख रहे हो, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है टनल का हिस्सा, यानी कि सुरंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हो इस जगह पर, ऐसा नहीं लग रहा 90s की जो मूवी होती थी ना, जो डाकू रहते थे वैसे ही कुछ जगहों पर रहते थे, है ना, ऐसा ही कुछ फील आ रहा है मुझे यहाँ पर। जी चलिए काम की बात करते हैं, तो काम की बात करूँ तो यहाँ पर टनल तो बहुत पहले ही बंद कर तैयार हो चुका है, और उस टनल से पहले ही यहाँ पर जो भी काम किया जाना है वो किया जा रहा है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर पिलर्स क्यों बनाए, यहाँ पर भी मिट्टी क्यों नहीं डाल दिया, तो एक्चुअली क्या, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, जब इन पर बारिश होती है ना तो बारिश का पानी नीचे आता है,
तो यहीं पे बारिश के पानी का कटाव होता है, तो इसी वजह से पिलर बनाया है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर अगर डालते तो बारिश के दिन में पूरी मिट्टी का कटाव हो जाता और मिट्टी के कटाव को रोकना असंभव हो जाता, तो उस असंभव को संभव किया है इस जगह पर पिलरों की मदद से, और इसी वजह से यहाँ पर ये पिलर बनाए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम आपको दिखेगा, क्योंकि इस जगह पर मिट्टी का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो बारिश के पानी का कटाव होता है और ना उतना ज्यादा बारिश का पानी इकट्ठा होता है। आज के लिए तो बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।